कासगंज के गंज डुडवारा कोतवाली में आगामी त्योहारों के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई। एएसपी राजेश भारती और सीओ राजकुमार पांडे ने समुदाय के संभ्रांत लोगों से अपील की कि त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। बता दें, गाली गलौज का विरोध करने के बाद युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने महिला और उसके बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृत बच्चे और महिला को जिला अस्पताल भेजा। सीसीटीवी फुटेज से घटना की जांच की जा रही है। बहराइच के नानपारा में शासन के निर्देश पर एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी चंद्रभान राम ने कई डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की। अनियमितताओं की सूचना पर की गई जांच में कुछ सेंटरों पर डॉक्टर नहीं मिले और कई खामियां पाई गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि विस्तृत रिपोर्ट सीएमओ और जिलाधिकारी को भेज दी गई है। बहराइच के हरदी इलाके में एक युवक को सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। चीख पुकार सुनकर परिवार और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। प्राथमिक उपचार के लिए युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल युवक की स्थिति खतरे से बाहर है और उसका इलाज किया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में जलोन के रहने वाली एक महिला के साथ चार युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला शिकायत करने गई तो अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर थाने के गेट से वापस कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों पर घर में आगजनी करने का भी आरोप महिला ने लगाया। वहीं महिला की तहरीर पर पुलिस जाँच में जुटी है। आज थाना कोखराज में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। तत्काल पुलिस ने तहरीर लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। महाराजगंज जिला पंचायत की बैठक में बजट आवंटन को लेकर भाजपा के दो विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मंत्री प्रतिनिधि जगदेश मिश्रा से पूछा कि वो कौन है, जिससे विवाद बढ़ गया। जिससे विधायक प्रेम सागर पटेल ने बजट में असमानता का आरोप लगाते ही सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिय भड़क गए। मामला नोकझोंक और मारपीट की स्थिति तक पहुंच गया, लेकिन नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। अलीगढ़ में बच्चों को भैंस का कड़ा दूध पिलाने वाले माता पिता को सावधान रहने की जरूरत है। पशु चिकित्सक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के मुताबिक कुछ लोग बियर फैक्ट्री से निकला कूटा चारे के रूप में भैंसों को खिला रहे हैं, जिससे दूध तो ज्यादा मिलता है लेकिन भैंसों की आयु कम हो जाती है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप बंसल ने चेतावनी दी है कि ये दूध बच्चों के लिए बेहद ही हानिकारक है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस ने राधा कुंज ब्रज विहार की ओर से आ रहे दो मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के दौरान रोका। बदमाशों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिससे उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भेजा गया है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और लोनी बॉर्डर पुलिस ने 50,000 इनामी पारदी गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो घायल भी शामिल हुए। ये बदमाश 10 जनवरी को लोनी बॉर्डर पर एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने के बाद फरार हो गए थे। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन बाइक गिर गई। बदमाशों ने भागते समय पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए। उनसे लूटे हुए 14 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे और चोरी की बाइक बरामद हुई है। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने देर रात दो बाइक पर सवार 5 बदमाशों से मुठभेड़ की। बदमाश राहगीरों से मोबाइल छीन कर भाग रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रुकने को कहा लेकिन बदमाश भागने लगे और एक ने फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान अन्य 4 बदमाश भाग गए लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उनके पास से 3 बाइक, 4 चाकू और एक अवैध तमंचा और लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए। प्रतिदिन की तरह आज शाम को भी देर रात अभियान शुरू किया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें खुले में शराब पीने वालों को, नशे में गाड़ी चलाने वालों को, 3 सवारियों के खिलाफ। इस क्रम में 2 थाना क्षेत्रों, थाना 20 और थाना 58 में 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पहली घटना थाना सेक्टर 20 की है, जिसमें अट्टा पीर से डीएल माल की तरफ जाने वाले तिराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल में 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये रुके नहीं और उनमें से एक ने पुलिस पर फायर कर दिया।
जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाब फायरिंग की। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। मंगलौर में किसान प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। रुड़की तहसील में धरना देने के बाद किसान 1 अक्टूबर को मंगलौर गुड़मंडी में महापंचायत का आयोजन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि महंगी बिजली के साथ स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों की समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसान देहरादून में चक्का जाम करेंगे।